देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की में मोदी सरकार के खिलाफ दलितों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। भारत बंद के आह्वान पर शहरों में दलितों का जोरदार प्रदर्शन रहा। इस मौके पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जोरदार नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी लाठी डंडों के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। आलम यह था कि रुड़की शहर से लगने वाली सभी सीमाओं को दलितों ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस दौरान पुलिस के सुरक्षा इंतजाम भी बेअसर दिखाई दिए। दलितों के गुस्से को देखते हुए शहर के सभी बाजारों को आनन फानन में बंद कराया गया। शहर के एक पेट्रोल पंप पर जैसे ही प्रदर्शनकारी पहुंचे तो मोदी की तस्वीर को देख उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने होर्डिंग पर लगे मोदी के फोटो पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मोदी सरकार दलितों का आरक्षण और संविधान खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार ने संविधान से छेड़छाड़ की तो इसका परिणाम बेहद ही खतरनाक होगा। दलित इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाते हुए रुड़की से लगने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया। रुड़की के आसपास के कस्बों में भी दलितों का प्रदर्शन देखने को मिला। देख रही है क्राइम स्टोरी।